the asymptotic mutations and basic efficiency classes. तो थोड़ा सा पिछले लेक्चर का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हमने एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क की बात की थी। सो एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क आपका किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ का एनालिसिस करता है? एल्गोरिथम की एफिशिएंसी एनालाइज करता है, सही है। सो उसमें हमने एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क में जो फंक्शन एस्टेब्लिश किया था, द फंक्शन ऑफ एफिशिएंसी वाज एफ ऑफ एन वाज द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एल्गोरिथम विद रेस्पेक्ट टू इनपुट साइज एन। यह सो दैट बेसिकली एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क वाज बेसिकली द फंक्शन ऑफ एन, वेयर एन इज द साइज ऑफ इनपुट। सो डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ इनपुट आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने ग्रो करते हैं। सो दैट वाज द समरी या बेसिक आइडिया या बॉटम लाइन ऑफ योर एफिशिएंसी एनालिसिस फ्रेमवर्क। तो उसी को यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है। सो दिस फ्रेमवर्क बेसिकली काउंट्स द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गोरिथम्स बेसिक ऑपरेशन काउंट इज द इंडिकेटर ऑफ एल्गोरिथम्स एफिशिएंसी। सही है। सो एल्गोरिथम एफिशिएंसी इज द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ एल्गोरिथम। सही है। सो नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन काउंट जो है वो बेसिकली आपकी एल्गोरिथम एफिशिएंसी शो करता है। सो टू कंपेयर रैंक एंड रैंक ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, अगर आप एन की वैल्यू चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ डिफरेंट एल्गोरिथम्स का या सेम एल्गोरिथम का आप कंपेयर करना चाहें, सो उसके लिए तीन नोटेशंस यूज होती हैं। वी हैव बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा एंड बिग थीटा। सो इनको हम, अब क्योंकि ये एनालिसिस का कोर्स है, सो इसको हम मैथमेटिकली एनालाइज कर रहे होंगे। अब आज का टॉपिक उसमें थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज़ें हैं, मैथमेटिकल, सो यू हैव टू बियर विद देम। क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सो स्टार्ट करने से पहले, मैथमेटिकल नोटेशंस फार्मूलाज डिस्कस करने से पहले, ये चीज़ें नोट कर लें, टी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, ये दोनों चीज़ें हम, दोनों फंक्शन हम यूज़ कर रहे होंगे एनालिसिस के अंदर। सो these two functions are defined on set of natural numbers, that is n, and tn will be the algorithm's running time, which is indicated by its basic operation count. So here algorithm ka running time hum simple consider karenge ki uski basic operations kitni leta hai on input size n. agar input size n ho to uski jo bhi basic operations hongi that will be considered T of n, your running time. The second one, the second function G of n is a sample function to compare the count with. ये जैसे हम comparison के लिए use करेंगे T of n के साथ, comparison के लिए हम G of n use करेंगे. This is any simple function to compare. कोई करता है कि कहाँ से गंदेश कल माइक सॉरी क्वेश्चन है सो एनीवे अब इसकी पहले ये जो नोटेशंस है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हम इसको कहते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये तीनों, तो इनको इनके लिए पहले हम इनफॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। Big O of any function, any algorithm, G of n, is a set of all functions with a lower or same order of growth as G of n. सही है? So big O of G of n is a set of all functions with a lower or same order of growth as G of n. Within a constant multiple as n grows to infinity, the input size go to infinity. So input size हम large consider करते हैं,
Thus, to give few examples, the following assertions are all true. So ये जो function है n, this also belongs to big O of n squared. इसी तरीके से ये जो function है 100 n plus 5, this also belongs to big O of n squared. सही है. और इसी तरीके से ये जो function है this one also belongs to big O of n squared. So ये तीनों functions हैं ये या तो n squared से छोटे हैं यानी कि इनका जो order of growth है n squared से कम है या at most n squared के बराबर है. So the first two functions, this one n and this one 100 n plus 5, these two are linear functions and hence they have a lower order of growth as compared to n squared. जी आप है नाम पे n squared है. But the last one is a quadratic and hence the same order of growth as n squared. ये क्यों? Because half n times n minus 1 इसको आप multiply करेंगे तो n n से multiply होके n squared बन जाएगा. तो n squared belongs to same family as this one. On the other hand, n cube does not belongs to big O of n squared. ये इस definition को follow नहीं करता क्योंकि इसका n cube का order of growth n squared से ज़्यादा है. तो ये इसको अगर आप simply कैलकुलेटर में पुट करें इन दोनों फंक्शंस को, एक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एन क्यूब, तो एन क्यूब इज एन, दूसरा फंक्शन है आपका एफ ऑफ एन स्क्वायर्ड. सही है. सो एन स्क्वायर्ड इज डज नॉट बिलोंग्स टू एन क्यूब बिकॉज फॉर एग्जांपल आप एन की कोई वैल्यू ले लें. Let's say n is 10. So n cube will be 1000. N squared will be 100. So is definition ke hisab se n cube isko fulfill nahi karta. Definition mein kya likha hua hai? Big O of g of n is the set of all functions with a lower और एट मोस्ट सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज जी ऑफ एन. बट इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है एन क्यूब का ये हायर है. एन स्क्वायर्ड से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हायर है. सही है. इसी तरीके से अगर आप एन की वैल्यू रख दें लेट से एन इक्वल्स 100 एलिमेंट्स अगर इनपुट साइज है तो 100 का क्यूब क्या होगा? एफ ऑफ एन 100 भी क्या आएगा? एफ ऑफ एन क्यूब 100 का क्यूब करें तो 100 पावर 3 दिस वन और सो दिस वन विल रिजल्ट इनटू दिस नंबर. बट अगर आप एन स्क्वायर्ड के अंदर अगर आप क्यूब कर दें यानी कि सॉरी ये एन स्क्वायर के अंदर 100 की वैल्यू पुट करें तो यू शुड हैव व्हाट इज दैट, ये स्क्वायर कर दें अगर 100 का सो योर आंसर इज दिस वन. सो यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि n की वैल्यू आप इंक्रीज करते हैं तो इस ये जो n क्यूब है इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू n स्क्वायर्ड. सही है. सो हम डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, हमें क्या डेफिनेशन मिली है कि बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इज़ द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ लोअर और एट मोस्ट सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज जी ऑफ एन. सो अगर आपका जी ऑफ एन इज एन स्क्वायर्ड है तो कोई भी फंक्शन जिसका ऑर्डर एन स्क्वायर्ड से कम हो या एट मोस्ट एन स्क्वायर्ड के बराबर हो तो वो इस फैमिली के अंदर आता है. ठीक है, बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के अंदर आता है. अगर उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हायर हो तो वो इसके अंदर नहीं आता.
अब यहाँ पे अगर मेरे पास क्लास में होते तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर देता इसका ग्राफ। यहाँ पे चेक करते हैं ऑनलाइन फंक्शन ग्राफ, ऑनलाइन ग्राफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन देके। इनपुट रेंज, ग्राफ से आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। सो शुड हैव दिस। रिकॉर्डिंग पेंट पे यार ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन अगर मेथड हमें मिल जाए। यस, एन स्क्वाड फंक्शन है और दूसरा फंक्शन हम रखते हैं एन क्यूब, सही है। सो एक्स की वैल्यूज हम कहाँ से देंगे? एक्स की वैल्यूज देते हैं हम एक्स 10 से लेके 100 तक, और वाई की वैल्यू 0 से लेके 1। ग्राफ को अपडेट करें, सही है। सो ग्राफ ही अपडेट हो गया। तो एक्स की वैल्यू आप, या जो एक्स यहाँ पे एन है तो उसकी वैल्यू में अगर आप चेंज करते हैं, तो ये जो वाई की वैल्यू है या नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं एन क्यूब फंक्शन में किस तरह ग्रो हो रहे हैं और एन स्क्वायर्ड में किस तरह ग्रो हो रहे हैं। इसका कलर अगर मैं चेंज कर दूं और ग्रिड एक्सिस, इसको प्रॉब्ली हम विड्थ का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ कलर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ रेड कलर एक्स एक्सिस को, सही है। सो रेड लाइन इज दी एक्स स्क्वायर्ड फंक्शन, उसमें आप नंबर ऑफ इनपुट्स या इनपुट साइज एन आप ग्रो कर रहे हैं तो ये इस तरह से ग्रो हो रहा है। लेकिन ये जो फंक्शन है एन क्यूब, ब्लू कलर की लाइन है, इसमें आप जैसे ही एन इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज किस तरह से हो रहे हैं, आपका रेट ऑफ ग्रोथ इज मच हायर देन दिस वन। सो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है एन क्यूब का, दिस वन डज नॉट बिलोंग टू दिस फैमिली एन स्क्वायर्ड। बट अगर ये फंक्शन हम देख लें, या मैं ये रख देता हूँ 100 n+5, तो दूसरा फंक्शन हम ये रखते हैं 100 times x 5। सही है। सो दिस वन इज अ न्यू फंक्शन, इसमें हम जो वैल्यूज हैं एक्स की वो मैं रखता हूँ लेट से 10 से लेके 1000 तक, सही है। सो आप देखें एक्स स्क्वायर्ड, ये रेड लाइन है, ये किस तरह ग्रो कर रही है। बट आप इसको कंपेयर करें 100x+5 से तो ये किस तरह ग्रो कर रहा है, यानी कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो एक्स स्क्वायर्ड से कम है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आप इसी को वैल्यूज को रखते हैं 100 तक, तो अगर आप 100 पे देखें तो उस केस में तो ये जो सेकंड फंक्शन है उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन अगर इसको मैं कर दूं 200, तो आप देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रही है, क्रॉसिंग हो रही है दोनों ग्राफ्स की इस पोजीशन पे, यहाँ पे। तो इसके बाद जो आपका एन स्क्वायर्ड वाला फंक्शन है वो ग्रो करना शुरू कर रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फंक्शन की अगर इनपुट साइज बिल्कुल छोटी है, छोटी सी है, तो उस केस में तो आपको लगेगा कि ये जो कम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो आपका एल्गोरिथम है, फंक्शन है,
ये नंबर ऑफ स्टेप्स ब्लू लाइन में नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एन की साइज बढ़ाएंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि जिसका ग्रोथ रेट ज़्यादा है वही जब आप एन ग्रोथ टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन ले रहा होता है। तो अगर मैं इसी को लाइन्स को 200 को 2000 कर दूँ तो डिफरेंस आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, अब ये इस तरह ग्रो कर रहा है 100 एन प्लस 5 जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इन रेड लाइन इन स्क्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी वो इस तरह ग्रो कर रहा है। सही है, इज दैट क्लियर? सो इस फंक्शन की डेफिनेशन यही कह रही है कि बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ लोअर और एट मोस्ट द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज जी ऑफ एन। इज इट क्लियर? टू विद इन अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल, कॉन्स्टेंट मल्टीपल ये है 100 है या 1 हो सकता है, एज एन गोज टू इन्फिनिटी एन की वैल्यूज हम ग्रो करेंगे अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। आप इन्फिनिटी तो खैर नहीं लिख सकते लेकिन आप वैल्यूज़ को बढ़ा के लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फर्दर इंक कर दूँ इसको जैसे 5000, सो 5000 पे लेके जाएं तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस तरह से ग्रो कर रही हैं। आई होप कि आप आपको ये इस ग्राफ से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अच्छा आप ग्राफ में इस ग्राफ से पानी का अपने माइक्स ऑफ रखें। ग्राफ में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इसका मतलब क्या है उसको मैं थियोरेटिकली समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ। सही है? तो यहाँ पे देखें ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इस पे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं प्लस में वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज भी नेगेटिव आ रही हैं। सही है? तो अब हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट कंसीडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इनपुट साइज जो एन एक्स एक्सिस है ये कभी भी इनपुट साइज नेगेटिव नहीं हो सकती, और इसी तरीके से नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि वाई एक्सिस हैं वो भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा पॉजिटिव ही होंगी इनके सब एल्गोरिथम। सो हम ये सिर्फ ग्राफ का ये वाला क्वाड्रेंट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें आप नंबर ऑफ इनपुट साइज आप बढ़ा रहे हैं और नंबर ऑफ ऑपरेशंस किस तरह से ग्रो हो रहे हैं दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम में। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं ये लास्ट फंक्शन भी लिख दूं यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड कर दूं तो हाफ एन टाइम्स दिस फंक्शन एंड लेट्स नेम इट और लेट्स कलर दिस वन इनवैलिड फंक्शन। ओके सो इनवैलिड फंक्शन था ये कि ये जो इनपुट वेरिएबल कंसीडर कर रहा है एन कंसीडर नहीं कर रहा बल्कि एक्स कंसीडर कर रहा है, सो एक्स रखेंगे एन की जगह तो इस तरह से आपका फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इसको आप कोई कलर कर दे दें तो ये फंक्शन ग्रीन लाइन के फॉर्म में मैंने शो किया है, पर अब भी ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको
इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स। सही है। सो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, ये फंक्शन भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें, इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम है एज कंपेयर टू ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन मैंने इसको डिफाइन किया फंक्शन का, तो इसका फंक्शन का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है ऑलमोस्ट एज सेम एज एक्स स्क्वायर दोनों का। सही है। सो इस वजह से ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। सही है, इसके अंडर में आता है, इट बिलोंग्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। पर इसका जो हमने एन क्यूब का देखा था वो इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो इससे भी ज़्यादा था, तो इस वजह से एन क्यूब डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फैमिली और दिस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ रेट एन स्क्वायर। तो ये ग्राफ जस्ट मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है कि ये डेफिनेशन है बिग ओ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जिसको हम कहते हैं, तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद द लोअर और सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज जी ऑफ एन विद इन अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल। तो अगर आप मल्टीपल भी रख दें तो इट्स ए कॉन्स्टेंट मल्टीपल, इसको हम रख देते हैं विद इन अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल एंड एज एन ग्रोज टू इन्फिनिटी। सो इसी तरीके से अगर आपकी जो ये वाले फंक्शन हैं जिनमें क्यूबिक है एन की वैल्यू एन क्यूब है, इनका ग्रोथ रेट फास्टर होता है, सो दे डू नॉट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द बिगो ऑफ जी ऑफ एन वेयर जी ऑफ एन इज एन स्क्वायर्ड। ठीक है, जी ऑफ एन की वैल्यू यहाँ पे एन स्क्वायर्ड है, तो इस फैमिली को ये वाले जो फंक्शन है एन क्यूब या एन पावर फोर ये इसको बिलोंग नहीं करते। सो यहाँ पे ग्राफ नोटेशन अगेन यहाँ पे भी डिफाइंड है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। सही है। सो वो ये है बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन ये है, इसके बाद कोई भी आर्डर आपका अल्गोरिथम का जो ग्रोथ रेट है टी ऑफ एन रन टाइम है वो इससे कम है, किसी भी पॉइंट पे इस ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से कम ही है। सही है। सो ये जितने भी फंक्शन होते हैं जो इस लाइन के या तो बराबर हों इस ग्रोथ रेट के या इससे कम हो वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन के अंदर आते हैं। सही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। द सेकेंड नोटेशन ओमेगा, ये किस केस में यूज करते हैं? दिस इज द नोटेशन ऑफ बेस्ट केस। सही है। सो बेस्ट केस को आप इनफॉर्मली कैसे डिफाइन करेंगे? द बेस्ट केस स्टैंड फॉर सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ हायर और एटलीस्ट सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज जी ऑफ एन। सो इसकी एग्जाम्पल ये है एन क्यूब बिलोंग्स टू बिग थीटा ऑफ एन स्क्वायर्ड। आइसक्रीम वाले ने बंद कर दिया अपना माइक, वरना इसको आइसक्रीम खिलानी पड़ जाती फाइन को। पहले एल्गोरिथम में क्या था, आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन से उनका ग्रोथ रेट या तो कम होगा या तो एट मोस्ट इसके बराबर होगा, लेकिन बेस केस का बिग थीटा के केस में बिग ओमेगा के केस में क्या होगा कि जितने भी फंक्शन होंगे वो या तो इससे ज़्यादा होंगे या कम से कम इसके बराबर होंगे जी ऑफ एन के बराबर होंगे। सो दीज ऑल फंक्शंस एन क्यूब बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर्ड। इसी तरीके से ये भी इसके इसको बिलोंग करता है, बट दिस पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर्ड बिकॉज इसका जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है वो इससे भी कम है। सो इसको अगर हम एक्सप्लोर करें ग्राफ के फॉर्म में, तो हमारा जो नया फंक्शन आ रहा है दैट इज हमारा फंक्शन तो एन स्क्वायर्ड ही है, अब इसी जगह हम एक फंक्शन ऐड करते हैं एन क्यूब
वाई की वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, 0 से लेके 1000 तक, और एक्स की वैल्यूज भी हम रीसेट कर देते हैं। सो मेरे ख्याल से और भी डिक्रीज करनी चाहिए वैल्यूज। तो आप ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। सो आपका जो बिग ओमेगा फंक्शन है वो ये वाला है, रेड लाइन, एंड दिस इज एन क्यूब बिलोंग्स टू बिग ओमेगा एन स्क्वायर्ड। सो बाय डेफिनेशन आपका जो भी फंक्शन है वो अगर उसका ग्रोथ रेट इससे ज़्यादा है या कम से कम भी इसके बराबर है तो वो इसको बिलोंग करता है। लेकिन अगर आपका फंक्शन का ग्रोथ रेट एन स्क्वायर से भी कम है तो मतलब वो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। सो ये जो फंक्शन है 100n+5, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, 100n+5। सो इसको मैंने ऐड कर दिया, फिलहाल तो ये ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन अगर इसकी आप वैल्यूज़ बढ़ाएं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि हम इसको एनालाइज कर सकें, 100n+5 को। सो अगर आप इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर दें, एस एन ग्रोज़ टू इन्फिनिटी, एन ग्रोज़ टू 1000, इसकी वैल्यूज़ भी आप बढ़ा दें। तो यहाँ पे देखें n की वैल्यू आप इन्फिनिटी पे ग्रो करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके ये जो ब्लैक लाइन है 10x+5 का जो फंक्शन है वो इसको कट करता है, यानी कि अब इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ स्लो हो रहा है। अगेन आप इसकी वैल्यूज को फर्दर ग्रो कर दें, मैं इसका कोफिशेंट थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको कम वैल्यू में सही ग्राफ नजर आए, 10x कर लेते हैं, सही है। सो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे y 0 से लेके 100 तक, कहाँ गायब हो जाता। सो एनीवे ग्राफ में यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शुरू में आप देखेंगे तो इसका आपको नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा लग रही होंगी इस फंक्शन की, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो इस फंक्शन की लाइन को कट करके इसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाएंगे, सही है। सो इसी वजह से इसका जो ग्रोथ रेट है इस फंक्शन का वो इससे कम है तो ये डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा। सो दिस फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू this order of growth या this best case complexity। इसको अगर आप graph notation में देखें तो big omega ये वाला है। अब यहाँ पे इस g of n ये जो function है ये lower bound define करता है, lower bound, सही है, इससे कम best case है क्योंकि, तो इससे कम number of operations possible नहीं है algorithm के अंदर, क्योंकि ये बेस्ट केस है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसी भी इनपुट साइज एन पे आपको देगा। सो आपका कोई भी फंक्शन आता है आप तो उसको या तो उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इससे ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम भी इसके बराबर होना चाहिए, तो इन दैट केस दैट फंक्शन विल फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ और इट विल बिलोंग टू बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। इज दैट क्लियर?
And last one is average case, which is big theta. So what happens in case of big theta? Big theta के केस में क्या होता है? अब यहाँ पे आपको दो बाउंड्स लगाने पड़ेंगे, एक अपर बाउंड एक लोअर बाउंड. एवरेज केस का मतलब क्या होता है? एवरेज केस का मतलब ये होता है कि चलो मैं ग्राफ से समझा देता हूँ जो कि स्लाइड में लगा हुआ है. एवरेज केस ये है कि एवरेज केस में ये जो है सी वन ऑफ जी ऑफ एन, दिस इज बिग बिग ओ, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, या वर्स्ट केस सी टू ऑफ जी ऑफ एन, दिस इज द बेस्ट केस, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसी भी इनपुट साइज एन पे ये होंगी. अब उसके दरमियान कोई भी इनपुट साइज आता है, इनपुट आता है उस पे, इसके दरमियान जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आती हैं, तो ये जितने भी फंक्शंस, इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस, इन दोनों अपर एंड लोअर बाउंड के दरमियान जितने भी आएंगे, दैट विल बी योर बिग थीटा. अब समझ में आ रहा है? जो आपका वर्स्ट केस है बिग ओ, वो ग्रोथ रेट का अपर बाउंड डिफाइन करता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इससे ज्यादा एल्गोरिथम के लिए नहीं हो सकती. लोअर बाउंड क्या डिफाइन करता है? इससे कम ऑपरेशंस में नहीं हो सकता प्रॉब्लम सॉल्व. एवरेज केस इज इन बिटवीन देम, एनी केस इन बिटवीन बेस्ट एंड वर्स्ट केस. सही है? अब अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपको एरे के अंदर एलिमेंट सर्च करना है, तो उसका वर्स्ट केस क्या होगा? अगर एन की वैल्यू है 10, वर्स्ट केस क्या होगा? या तो लास्ट एलिमेंट, जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो लास्ट एलिमेंट हो, या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो उसका वर्स्ट केस ये आएगा. अगर मैं एन की वैल्यू एरे की कर दूं 100, उसकी साइज, अब वर्स्ट केस क्या होगा? 100th एलिमेंट या नो एलिमेंट फाउंड इन द एरे, दैट इज द वर्स्ट केस. बेस्ट केस दोनों केसेस में क्या होगा? पहला ही एलिमेंट मिल जाए, 100 एलिमेंट के केस में भी, 10 एलिमेंट एरे के केस में भी, फर्स्ट एलिमेंट आपका सर्च एलिमेंट हो, दैट विल बी योर बेस्ट केस. इससे कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में आप सर्च एल्गोरिथम को एंड नहीं कर सकते. सही है? और वर्स्ट केस के से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस में भी आप एरे को सर्चिंग परफॉर्म नहीं कर सकते. इन बिटवीन अगर सेकंड एलिमेंट आता है, थर्ड एलिमेंट आता है सर्च एलिमेंट, 90 अप टू 99th एलिमेंट आता है, वो इन दोनों बाउंड्स के दरमियान कहीं पे लाए करेगा, एंड दैट विल बी योर टी ऑफ एन या बिग थीटा ऑफ जी ऑफ एन, व्हिच विल बी योर एवरेज केस. तो अभी मतलब समझ में आ रहा है? बिग ओ आपका अपर बाउंड डिफाइन करता है, बिग ओमेगा आपका लोअर बाउंड डिफाइन करता है फंक्शन का, बिग थीटा इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइटली मेनी कोई भी ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस आ जाएं तो वो डिफाइन करता है. इज दैट क्लियर? सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये तीनों, अपर लोअर एंड एवरेज केस के लिए, अपर बाउंड लोअर बाउंड एंड एवरेज केस इन दोनों के दरमियान डिफाइन करते हैं. सो दीज आर योर asymptotic notations. Is it clear now? Array की example से आपको समझ में आ रहा है? Upper bound क्या है array search की example में? No element found. Lower bound best case क्या है? First element search हो रहा है. और इसके अलावा जितने भी elements हैं middle में, जो भी element अगर आपको search element आपको middle में मिलता है किसी भी position पे, that will be your बिग थीटा एवरेज केस. ओके, सो मेरे ख्याल से आज आप ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें, ये कॉन्सेप्ट समझ लें. कल फिर हम इनकी फिर एग्जांपल्स भी करेंगे, एग्जांपल के थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि एवरेज केस बेस्ट केस
एंड वर्स्ट केस क्या आते हैं, कैसे निकलते हैं, वो हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सो क्वेश्चन रेनो कर लें। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? ओके ऑलराइट। सो कल की क्लास में पहले हम आज हमने इनफॉर्मल डेफिनेशन देखी थी, ये इनफॉर्मल डेफिनेशन थी। कल की क्लास में पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे, सही है? उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, बेसिक एफिशिएंसी क्लासेस देखेंगे और फिर हम एनालिसिस शुरू कर देंगे, एनालिसिस की एग्जांपल्स करेंगे। सो बिग ओमेगा की इक्वेशन, बिग ओमेगा बिग ओमेगा की ये इक्वेशन नहीं है, ये फंक्शंस हैं, तीन डिफरेंट फंक्शंस डिफाइंड है। बिग ओमेगा क्या डिफाइन कर रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबल किसी भी एल्गोरिथम के लिए। सो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस है एन स्क्वायर्ड, लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम एन क्यूब नंबर ऑफ ऑपरेशंस में ये काम कर लेता है, सो दैट मीन्स के दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस फैमिली, सही है? सो उसका जो लोअर बाउंड है उससे ज़्यादा है, तो मीन्स दिस दिस कॉम्प्लेक्सिटी क्लास बिलोंग्स टू दिस एल्गोरिथम, बिलोंग्स टू बिग ओमेगा। इसी तरीके से इसकी जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं ये भी इससे ज़्यादा होंगी एन स्क्वायर्ड से, या मिनिमम इसके बराबर होंगी। बट दिस वन, इस केस में अगर आप देखें थर्ड इक्वेशन के केस में, तो थर्ड जो फंक्शन है 100n+5, इसमें अगर आप n की वैल्यूज को ज़्यादा ग्रो करें, n की वैल्यू बड़ी रखें, तो एक पॉइंट आएगा जब n स्क्वायर्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि ये जो फंक्शन है ये लोअर बाउंड से भी कम चला जाएगा, ग्रोथ रेट इसका लोअर बाउंड से भी कम चला जाएगा। इन दैट केस दिस फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू बिग ओमेगा एन स्क्वायर्ड। अटेंडेंस में डाउनलोड कर रहा हूँ। ओके, अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया। कृष्णा की बैटरी चार्ज करते हैं, इसकी बैटरी हमेशा लो हो जाती है। सो एनीवे, आई थिंक आज का लेक्चर क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। टेनिस मैंने डाउनलोड कर लिया है सबकी, ठीक है सर? वो 05450 का सर नेट बंद हो गया, उनका मैसेज आया है अटेंडेंस के लिए, ये सर को बता दें। चले उनको कहें कि बाद में मुझे मैसेज कर दें, या ग्रुप पे लिख दें, या बाद में मुझे मैसेज कर दें। रोल नंबर इस तरह मुझे याद नहीं रहेगा, अगर आप ऐसे ही बता देंगे तो मैसेज करेंगे तो वो लिखा आ जाएगा। एनीवे, क्वेश्चंस नहीं है कोई? उनका नेट करना, हाँ तो अभी नेट एक्सेसिबल नहीं है, थोड़ी देर बात करते हैं। अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिए, सही है? जितने भी लोग आ रहे थे अभी उनकी सबकी हो गई अटेंडेंस। ऑलराइट।